और मिट्टी के बर्तन में तैयार होने वाली हसन अब्दाल की मशहूर डिश कटवा गोश्त का जायका सबसे लाजवाब है। यहाँ शादियों में भी ये डिश खास तौर पर तैयार की जाती है। इसी हवाले से मजीद तफसलात के लिए आबिद अली की आप रिपोर्ट देखिए। कटवा गोश्त आराम से नहीं बनता बल्कि उसके लिए काफी मेहनत दरकार होती है। हसन अब्दाल में मिट्टी के बर्तन में तैयार होने वाला कटवा गोश्त का जायका लाजवाब है, जिसे खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। शादियों पर भी यही डिश मेहमानों के लिए तैयार की जाती है। इस लजीज डिश में बैल या भैंस के गोश्त को मिट्टी के बर्तनों में डालकर घंटों आग पर पकाया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे तैयार होने में 4 से 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। इस डिश को खाने के अंदाज भी निराले हैं। चहरी मिट्टी के बर्तन में स्पेशल रोटी की चूरी बनाकर उस पर सलाद और लीमू डालकर खूब मजे से खाते हैं। जो एक बार कटवा गोश्त खा ले वो खाता ही रह जाता है। कटवा गोश्त हसन अब्दाल के मखसूस होटल्स पर भी तैयार किया जाता है, लेकिन शादियों में बनने वाले गोश्त की बात ही अलग है।